हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद अली साहब कवि अब्बासी एडवोकेट बोल रहा हूँ। जी जी खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सालगिरह मुबारक हो। सालगिरह मुबारक। बहुत 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 शुक्रिया साहब। एक क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन ये था कि यूक्रेन में जो बच्चे स्टक है अपनी गवर्नमेंट के आश्रय प्लीज इवैक्यूएशन के लिए, उन लोगों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम था, सब स्टेट गवर्नमेंट से वो ले रहे थे। बहुत हैदराबाद के महमूद अली साहब, हैदराबाद के बच्चों के लिए विदा ले रहा, दिल्ली को ले जाएंगे। क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा क्लास वीजा को लेते हैं इमीडिएट जी। हमारे हैदराबाद के इतने बच्चे फौरन का इंतजाम करो बोल के रहता जी जी, पर हमारे हाथ में डायरेक्ट नहीं रहता जी जी। यहाँ से कुछ भिजा के किसको बुला जी जी जी, इसमें फिर बराबर दबाव डाल जी, क्यों हालात बहुत खराब है, जितना हो सके जल्दी से जल्दी बुलाइए हमारे जी जी जी। क्यों बोले तो मेरे को थोड़ा ईमेल था, ऐसा हम बहुत परेशान है, बच्चियाँ तो बहुत परेशान है, यकीन मानिए। हाँ सही है, तो हम लोग लेट में थी गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, आप जो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते, इसलिए पर्सनल रिक्वेस्ट, यू हैव टू टेक एक्शन सर। प्लीज जरूर 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 कुछ आपके केसीआर साहब के तो अच्छे तालुक थे, केसीआर साहब को बोलिए तो कराइए कम से कम। बिल्कुल 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 जी, अच्छी बात। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप लोगों से कि यूक्रेन के बच्चों को सेफ्टी से पहुंचे है इंडिया को। थैंक यू, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, खुदा। ये अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर कर लें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वो ब्रेकिंग न्यूज आप तमाम